बारे में लोग कम जानने लगे थे, मगर जैसा हम गांधी की फिल्म आई एस एन बैरो की, तो फिल्म के विकास का प्रभाव इतना था काफ़ी, वो तो उनको अवॉर्ड भी मिले वर्ल्ड वाइड के, तो वो फिल्म के कारण फिर लोग गांधी जी के बारे में जानने के लिए चाहते थे, तो और ज़्यादा कुछ हम क्या जानें। तो मैंने भी वो किताब फिल्म देखने के बाद में मुझे भी आइडिया आया कि ये तो गांधी जी का तो 3 घंटे में तो कोई लाइफ नहीं बता सकते हैं, उसका तो एक थोड़ा सा परिचय ही दिया है। तो हमने फिर गांधी जी की किताबों का 1982 में ये बुक शॉप का मैंने सोचा कि चलो भैया हम जो किताबें हैं लोगों में पहुँचाए, जिसके कारण ज़्यादा गांधी जी के बारे में और कुछ जानना चाहिए। लाइफ जो बनाई उन्होंने जिंदगी की, उसका एक शब्द ही ये मुख्य है, वो है सत्य। सत्य है न सिर्फ सच बोलना नहीं है, सत्य का मतलब है उस तरह से जीना, जीने में खाना पीना काम करना जो भी हम दिन भर 24 घंटे में जो भी करते हैं वो सत्य में आ जाना है। जो भी करें तो कुछ अच्छी इतना करें अच्छी तरह से करें, ऐसे नहीं है कि करने के लिए कुछ भी कर दिया हमने तो ये नहीं है। जैसे गांधी जी ने हर एक भाषा में हर एक चीज़ों में पॉलिटिक्स के लेके सामाजिक बच्चों में हेल्थ के बारे में गाँव के बारे में ऐसा करके गांधी जी सारे सब्जेक्ट पर कम्युनल हारमोनी में जातिवादी प्रथा में ये सारे के बारे में उन्होंने काम करके बताया है। गांधी जी को पूछा था आपका क्या संदेश है, तो उन्होंने कहा मुझे कोई संदेश नहीं देने, माई लाइफ इज माई मैसेज। अब देखिए कि मैं जिस तरह से जी रहा हूँ और जो कर रहा हूँ वही मेरा मैसेज है, यानी मेरी जिंदगी एक एक क्षण भी जो भी कुछ है वो मैसेज है, ये मेरे संदेश।